अरु को लग गई है भूख और पापा के टाइम की है, मतलब के अंदर गर्मियों ने दस्तक दे दिया। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी जो है आज का दिन है संडे, और संडे को जो है हम लोग ऊपर आए थे, तो ऊपर आए धूप सेकने के लिए, बट ये धूप अब मुझे लगता है कि जम्मू के अंदर गर्मियों ने दस्तक दे दिया। तो आपको मेरी मैं आ गया हूँ अंडर शर्ट पे, और राहुल जो है वो आ गया हुआ है हाफ स्लीव टी शर्ट पे। तो अभी तो यहाँ पे बैठ के जी हमारी सुनीति जी कर रही हैं अपना काम, और हम यहाँ पर कर रहे हैं थोड़ा धूप का मजा ले रहे हैं, बट धूप सही नहीं जा रही। तो अब चलता हूँ नीचे, और नीचे जाके देखते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हम लोगों ने कर लिया हुआ है, तो हमारा जल्दी ही दिल्ली का प्लान बन रहा है। जल्दी क्या, कल या परसों के व्लॉग्स में आपको दिल्ली दिखना शुरू हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। बाकी दिन की शुरुआत हुई है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे दिन चलता है। देख सकते हो हमारे जम्मू की सिटी का नजारा। यार आज संडे को सोचा कि यार हमारे घर में ना एक अलमीरा पड़ी है जो पापा के टाइम की है, मतलब पापा की जब नई नई शादी हुई तब की उन्होंने ली हुई है। तो वो अलमीरा अभी तक चल रही है, बट वो ना थोड़ा सा कलर गंदा हो गया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ पर आता हूँ, तो उस अलमारी को पूरा का पूरा जो है पेंट वगैरह करके नया लॉक लगा के नहीं करते। बट आज संडे है तो खुला तो है, बट ये कह रहे हैं कि आज अंकल नहीं है तो आज हो नहीं पाएगा। तो बाकी और भी दुकानें हैं, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। तो देखते हैं कि अगर वहाँ कोई बंदा मिल गया, आज कराने का मन है मेरा, संडे है तो यूटिलाइज हो जाएगा दिन। तो इनमें शूर है कि नहीं, यानी मतलब शूर है कि जो स्पेस है वो इसके अंदर आ गई है। देखिए आप उनसे बड़ी लग रही है, और ये है ये अंदर आ गई जा चारों तरफ, तो इसका साइज बड़ी है। ये थ्री रोड में ये बेस्ट चीज है। अच्छा, ये ड्रॉवर है, बिल्कुल सॉफ्ट मूवमेंट है, चैनल्स लगे हुए हैं, चैनल्स पर है। 30 तक ये, हाँ 32 है, वैसे ही दस करके 30 तक। तो अच्छा, ये जो आपने कितने 8200 रुपये की बोली थी ना, ये वाली 82, ये भी इसमें एक होता है, आप देख लो ना, सिलेक्ट करो फिर कर देंगे। नहीं, का आइडिया हो जाना, मैं घर में जाकर बता सकता हूँ ना। हाँ, ये 8200 समझे वो, इतना ही शीशे के बिना है ना, ये दोनों सेम ही हो गई। ठीक है, चलो। तो गाइज अभी जो है यार आ गया हूँ मैं घर पे, और अलमीरा का भी डिस्कस हो रहा है कि क्या करना, लेनी है नहीं लेनी है, इसको ठीक करवाना है कैसे करना है, तो वो तो अभी डिस्कस हो रहा है। तो आज हमारी जो ये अरु है, इसको भी जो है आज फर्स्ट पोलियो ड्रॉप्स पड़ गए हैं, तो काफ़ी सही है कि चलो पोलियो ड्रॉप्स हो गए, इसके पहला वाला काम हो गया, क्योंकि आज कैंप लगा था यहाँ पे, तो आराम से इसको पोलियो ड्रॉप्स पड़ गए। तो बाकी यार अभी ये मेरा मूड कर रहा है कि अब बहुत दिनों में कहीं बाहर गए हुए, तो आज शाम को निकलता हूँ कहीं पर कुछ खाने पीने के लिए निकलते हैं, तो अपनी वही फेवरेट जगह जो है वहीं चलेंगे, तो आपको भी साथ लेके चलेंगे। अभी होता हूँ वैसे शाम को, नहीं शाम को किसी ने आना तो अभी हो क्या, चलो चलते हैं, थोड़ा काम वगैरह होता है इसका ध्यान रखने के लिए। अभी वो सुनीति दूसरे काम से गई है ना, तो जैसे ही वो आती है उसको यहाँ बिठाता हूँ, मैं निकल जाता हूँ भाई कहीं जाने, मुझे भूख बहुत लगी है और मैं कुछ बाहर का खाना चाहता हूँ। गाइस अरु को लग गई है भूख, और मम्मी उसकी यहाँ पे है ना, तो मुझे भी जो है मैं दूध बना सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे, मुझे भी आता है दूध बनाना, तो मैं दूध बनाता हूँ क्योंकि इसका दूध बनाने का टाइम हो गया हुआ है। ओह प्लीज डोंट, नो नो नो, क्या हो गया, नो मम्मी, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, दूध ही बना रहा हूँ उसका, छोटी के चल वो तो होती नहीं अभी, वही तो हो ही रहा है, चल दूध चुको, मम्मी आ गई है, मम्मी बनाएगी दूध। तो अभी ये रो रही है, तो मम्मी दूध बना रही है, तो अब मैंने नहीं बनाया क्योंकि रो रही थी ना, तो मम्मी आ गई, तो अब रो रही है, इसको चुप कराता हूँ, दूध पिलाने के बाद मिलता हूँ, चलते फिर घूमने। तो गाइज अभी जो है हमारी अरु ने दूध पी लिया है, तो अब जो है अब कहीं जाके सुनीति जी आएंगी, तो मैं निकलूंगा कहीं चक्कर लगाने के लिए, और बहुत ज्यादा मन करा बाहर का कुछ खाने का, तो वो खाएंगे। तो गाइज फाइनली जो है मैं खुद अकेले ही पहुंच गया, राहुल तो आज आया नहीं है, तो मैं अकेला ही आ गया हूँ यहाँ पे, बिकॉज चिल करने के लिए मुझे सिर्फ खाना चाहिए और इंजॉय कर सकता हूँ। राहुल सोया हुआ था, उसमें नींद आ रही थी, तो कहता मुझे नहीं जाना। तो अभी दिन के टाइम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर भी है, आप देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा सही नज़ारा। मैंने फर्स्ट अभी तो मलाई चाप ऑर्डर किया अपने लिए, आधी प्लेट ही की है, पहले वो खाते हैं उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या खाएंगे।
यहाँ का माहौल देख सकते हो, फुल रश है। मतलब यहाँ पे दिन में आओ रात में और रश ही रश होता है हमेशा। यहाँ पे तो ऐसे रश पड़ा जैसे फ्री बन रहा है ना, सब कुछ वैसे हो रहा है। मतलब सब भाग रहे हैं, सबको बस चाम्प ये मोमोज ये वो बस यही चल रहा है। और मैंने ऑर्डर दिया, मुझे 5-10 मिनट हो गया, अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। तो मेरी आवाज़ पता नहीं आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही, बट रश बहुत ज़्यादा है। बाहर तो ऐसे है जैसे भाग रहे हैं सब बस। गाइज अपनी जो है मलाई चाप आ गई हुई, अब खाते हैं मलाई चाप और इसको करते हैं इंजॉय। उसके बाद कुछ और भी मंगाऊंगा क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो गाइज ये वाली चाप तो कर दी खत्म, और मैंने अब तंदूरी चाप का ऑर्डर भी दे दिया हुआ है, तो तंदूरी आएगी। यहाँ पे जितना जैसे जैसे दिन ढल रहा है ना, यहाँ पे रश बढ़ते जा रहा है। और मैं कब से बैठा हूँ यहाँ पे, तंदूरी चाप मंगाई है वो मेरे पास पहुँची नहीं है अभी तक। फाइनली जो है ये मेरी चाप आ गई है, नहीं आई, पोपट हो गया भाई पोपट। इतनी बेइज्जती, इतनी ज़्यादा बेइज्जती कभी नहीं हुई। यहाँ आते आते पूछा बंदे ने मेरे से, हाँ आपके, मैंने बोला हाँ। आते आते चला गया। ये वाले जो है ना, ये रेड वाले भैया यही बना रहे हैं, और हमारे पास पता नहीं कब पहुँचेगी। लो जी ये लगता है ये आ रही है मेरे ख्याल से, मगर ये इसके आते आते क्यों रुक गए रास्ते। भाई साहब ये बंदा बहुत परेशान है। वैसे इतने रश में दिक्कत पड़ी जाती है यार, दिक्कत पड़ी जाती है इतने रश में। वो देखो ऑर्डर, देखो लाइन देखो कहाँ कैसे लगी है। तभी मैं इतनी दूर सिटी से यहाँ पे आता हूँ स्पेशल खाने के लिए। चलो ये आगे ये खाते हैं फिर निकलते हैं। चलो जी अभी अभी खा ली है, अब चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी तो खाना मैंने खाना था वो खा लिया। अभी एक और जगह जाना है क्योंकि राहुल ने भी कोई ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो भी लेने जाना है। गाइज अभी आ गया ऑनलाइन कैफे में, यहाँ से राहुल ने कहा मुझे बर्गर लाने के, बर्गर राहुल के लिए पैक करवाऊंगा और फिर चलते हैं सीधा घर पे। तो गाइज जो जूस बनाया था वो तो सुनिधि जी और मेरा अपने लिए था, मतलब मैंने भी पी लिया, बहुत ज़्यादा मिल गया। मुझे लगा था कि मीडियम ग्लास कम ही होगा, बट मीडियम ग्लास तो मैं कहता हूँ नॉर्मल ग्लास से भी 1.5 गुना ज़्यादा था, तो काफ़ी ज़्यादा सही टेस्टी था और पी भी लिया। और मुझे लगता है वो जूस मुझे रोज़ ही पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था वो जूस, नींबू वगैरह डाल के सही बनाया था। तो बस यार अभी तो हमारी सुनिधि जी लगी हुई है अपने काम में अरू को संभालने के लिए। तो बस अभी टाइम हो चुका है 9:15, और अभी थोड़ी देर बाद डिनर टाइम है, तो डिनर करके फिर उसके बाद हो जाएंगे। और किसी ने आना था अभी तक आए तो है नहीं है, बट वेट करते हैं अगर आज। वाकई यार पापा भी लगे हुए खेलने हमारी छोटी असरी है, छोटी काकू हमारी असरी 2 मिनट हमारी छोटी बेबी असरी है असे असे हां। के टाइम रात को 10:30-11 बजे मम्मी को याद आया कि यहाँ पे पेटी में से नीचे जो एक ट्रंक पड़ा ना छोटा सा, कहाँ ट्रंक ही दिख रहा है यहाँ पे वो ये देखो ये ट्रंक है ना, इसमें से कुछ निकाला। मम्मी ने पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया राहुल का, तो राहुल वेट कर रहा है कि मुझे सोना है। है नी राहुल ये राहुल कह रहा, राहुल महाजन की तरह लाइट जला रही, दूसरी वाली तेरे फेस पे अच्छी सी रोशनी जो है आ रहे, क्या बात है। तो मम्मी ने ट्रंक पूरा बाहर, मम्मी ध्यान से। तो अभी दिवाली मनाने जा रही है, ये किसके साथ? ओ माय गॉड नहीं आएगा। वैसे थंबनेल मुझे चाहिए था कि बेटी के पहले पोलियो ड्रॉप्स पड़े आज। मैं कह रहा हूँ बेटी के पोलियो ड्रॉप्स पड़े, नहीं मतलब बेबीज फर्स्ट पोलियो ड्रॉप्स। चल चल कर तू ही बनाना, फिर कल मैंने खींच ली थी थंबनेल, तू ही करेगा। ओ माय गॉड हाँ फुस हो जाते ना। तो ये देखो जी फटाफट अंदर से माल निकल रहा है इस ट्रंक के अंदर से, वो तेरी है। वाह वाह वाह, ये लहंगे पड़े हैं मेरी बीवी के कवर के अंदर। ये हमारी शादी कोरोना में हुई थी, बट उसने ये लहंगा डाल के देखा, 20,000 रुपए का लहंगा लिया था हमने येलो कलर का, 20,000। तो ये वैसे का वैसे ही पड़ा, मम्मी का लहंगा है, इतना कुछ बनवाया था ना उस टाइम, सब धरा का धरा रह गया। सिर्फ क्या बोलूँ यार, अब जो अगर हम फंक्शन करेंगे कोई तो उसमें ये सब कुछ डल जाएगा, ठीक है नी। मतलब मेरे को नहीं बनवाना है, मैंने बनवाना है मिस्टर पीजीएस से नया लहंगा। लहंगा नहीं है, लहंगा डाल के इसकी एक वीडियो भी है, लहंगा डाली हुई शायद मेरे कहीं ना कहीं मैंने सेव की हुई हो, तो मजा आ जाए। डिजाइनर सूट बनाना, वो भी मिस्टर पीजीएस से। वाह जी वाह, 15,000 का बन जाता बस। तो 15,000 तो उसके लिए बड़ी छोटी सी रकम है, एक दिन की वीडियो। 13,000 मैं कह रहा हूँ आपके लिए कुछ नहीं है, 15,000-20,000 बॉडी वाले बंदे को वैसे अच्छा लगता फिटिंग वाला, नहीं लिशकना लिशकना चमक रहा होगा, क्या बात। वाह मम्मी चढ़ गई ऊपर, मम्मी मिला कुछ
नहीं। आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर देता हूँ। और आज काफी ज्यादा कुछ हुआ, आज हमारी बेटी के ड्रॉप्स पड़ गए, राहुल भी ये फुल मचरा हुआ है, और हम मैं बाहर खाने के लिए गया कुछ रिलैक्स चिल मारने के लिए, तो काफी ज्यादा अच्छा दिन रहा आज का। सो आगे हमारे दिल्ली वाले ब्लॉग्स आने वाले, क्योंकि कल रात की हमारी ट्रेन है दिल्ली की, और दिल्ली में जाके एक दिन की ट्रिप है हमारी, वो तो एक दिन की दिल्ली की ट्रिप में आपको दिखाऊंगा अपने नजरिए से। राहुल के तो 4-5 दिन देख लिया आपने, अब हमारा भी एक दिन देख लेना। तो चलो भाई आज के ब्लॉग एंड में कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड बाय।